फ्रेंड्स, वेलकम टू किडी थिंग्स विद दक्ष। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोहतांग टनल की, जिसका नाम अब बदलकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर अटल टनल किया गया है। इस टनल का उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सितंबर 2020 में किया जाना प्रस्तावित है। यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और इसकी लंबाई लगभग 8.8 किलोमीटर है। इतनी ऊंचाई पर बनाई गई यह टनल विश्व की सबसे लंबी टनल होगी और इस टनल के बन जाने से लेह और लाहौल एंड स्पीति के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो कि वर्तमान में लगभग 6 मंथ्स के लिए भारी बर्फबारी की वजह से हमारे देश से कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं अटल टनल के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में और जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इस टनल को बनाने में हमारे इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अटल टनल को हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित रोहतांग पास की पहाड़ियों को काट के बनाया गया है। रोहतांग पास रोड की गिनती देश की सबसे खतरनाक रोड्स में होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स होते हैं और विंटर सीजन में यह रोड बर्फ से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इस टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान 20 से अधिक मेजर एवलांचे और लैंडस्लाइड जोन्स में काम किया गया। इस टनल के बन जाने से मनाली और लाहौल एंड स्पीति की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरी तरह से तैयार अटल टनल की रोड की विड्थ 10 मीटर होगी। हिमालय के पहाड़ों की लूज परतों के कारण बोरिंग करके सुरंग बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए टनल की बोरिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से की गई। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज टू यूज द जियोलॉजिकल स्ट्रेस ऑफ सराउंडिंग रॉक्स टू स्टेबिलाइज द टनल इटसेल्फ। टनल के निर्माण के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पहाड़ों से रिसकर टनल के अंदर भर जाता था, जिसकी वजह से टनल की बोरिंग करने का काम बहुत मुश्किल से हो पाता था। कुछ जगहों पर पहाड़ की परतें लूज होने तथा उन पर हाई वेट लोड होने के कारण भी टनल की बोरिंग करने में इंजीनियर्स को बहुत मुश्किलें आईं। खोदी गई रॉक एंड सॉइल को डिस्पोज करना भी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 8.8 किलोमीटर लंबी टनल में प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए फ्रेश एयर को बड़े बड़े फैंस के द्वारा पाइपों के थ्रू पूरी टनल में प्रेशर के साथ ब्लो किया जाएगा। अटल टनल के नीचे एक इमरजेंसी टनल का निर्माण भी किया गया है। इस टनल से प्रतिदिन लगभग 3000 व्हीकल्स किसी भी वेदर कंडीशन में यात्रा कर सकेंगे। अटल टनल का उद्घाटन सितंबर 2020 में किया जाना प्रस्तावित है। अटल टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे, 150 मीटर पर टेलीफोन और 1.1 किलोमीटर पर पार्किंग बे बनाए गए हैं। इस टनल में व्हीकल्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर सकेंगे। टनल में एवरी 25 मीटर पर इवैक्यूएशन लाइट्स और एग्जिट साइंस भी लगाए गए हैं। अटल टनल हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।